तौशिक जी, मांडर को लेकर क्या क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है आप लोग का? जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने जाकर के मांडर के जितने भी गांव हैं, गांव के महल्ले और टोले में जाकर अपनी बातों को रखा है और समझाने की कोशिश किया है कि आपने तो 5 वर्ष के लिए चुन करके भेजा था बंधु तिर्की जी को, लेकिन ढाई वर्ष के अंदर ही एक षड्यंत्र के तहत इन्हें इनकी सदस्यता को खत्म कर दी गई महज छोटे से रकम के लिए। और भी बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, कैंपेन में, प्रचार प्रसार में अपनी बातों को रखा गया है तो, और जिस तरह से जो वहां पे युवाओं का झुकाव शिल्पा नेहा तिर्की की तरफ देखने को मिला, और तीन तीन बड़ी सभाएं मुख्यमंत्री की भी हुई, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ी, तो उससे ये अंदाजा लगा कि शायद वहां की जो जनता है उसने अपना मन बना लिया है कि ये नेहा शिल्पी तिर्की को ही अपना विधायक बनाएंगे। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, और हमारे अध्यक्ष खुद मोर्चा संभाले हुए हैं अभी तक, तो सारे जो लोग गए वहां पे, तो उन लोगों का, हम लोग खुद वहां पे थे, तो उससे अंदाजा ये लगा कि नहीं, वहां के लोगों के अंदर तो एक रोष है, आक्रोश भी है कि आखिर इनके साथ इस तरह का क्यों हुआ। चूंकि बंधु तिर्की हमेशा जनता के बीच में ही रहने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी मांडर से निकल करके इधर उधर नहीं रहते, मांडर के जनता के बीच में ही हमेशा रहते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है कौशिक, लेकिन एक बात बताएं, बंधु तिर्की मांडर की जनता से कैसे कांटेक्ट में है, जबकि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो दोषी पाए गए, एमपी एमएलए कोर्ट से है ना उनको बाकायदा दोषी पाया गया, इसके बाद सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई, उनकी बेटी को उतारा गया है।